અરે સુણા સખી હા કે કહો થે દોફર હો ગયે હું છોરા ના ખડા કર દે ખેત માં લે જરા કેમ કામ ધંધા કર લેગા દો તીન બેઠા લિયા ઉઠતા તો કોની ઈસી બન્નો બે કે લાય હે સારા તો ધંધા કાગ મને લાણી પડે હે બતાઈ ઈસી બન્નો કા કે કરાંગે હમ કે સારા લાગ્યા છે ઈસી બંદડી બે કે બેણ કા દેખણ તો તાઈ ની ગઈ થી જબ તો તેરા જલ્દી લાગી બહુગી ચાહીએ થી બન્નો તને ભી एक बार और जगा दे खेत में जाकर कीड़ा मर जाएगा देखो दिखा एक बार उठा के उठागा तो मंगे रे ए रे मंगे खड़ा ले ना वतरा बाबू छ मारे है मन रोड पिटवावा तू तो खड़ा आखा ने कुकर काटने लाग रहा हो या सासू मां सुबह के 9 बजे और इतना शोर मचा रहे हो कम से कम 2 घंटे तो और सोने दो 2 घंटे और सोओगी बे 6 बजे दिन निकला है उठ के ना धंधा कर ले और छोरन के तो भेज दे काम घर का और मैं मेरे माँ बाप ने मुझे नौकरानी बना के नहीं भेजा दहेज में पूरे 10 लाख रुपए दिए थे आपको समझे आप और घर का काम ना आप करोगे और अब ना सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो जल्दी से एक कप चाय बना के लेके आओ चाय भी मैं बनाऊं यह अच्छी बंदड़ी में आई भाई के रे उठा के छोरा हाँ उठा छोरा भेज ले थोड़े ठाण खातर मने वो बंदड़ी उठी हुई बुआ नु कमरा खातर चाय भी तू है बना के लाई चाय भी मने फूकनी पड़ेगी इब डोबरे मांजे थे अच्छा न्यू बनेगी बे न्यू ए बनेगी तो क्यों रे बाबू पढ़ लेते कोई देर तो देख लो जी समझा लो अपने माँ बाप को आपके जाने के बाद ना आप मेरे पीछे ऐसे ही ऐसे पढ़ पढ़ करके कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं अरे कि मैं कौन हूँ टेंशन ना ले वापस संभाल लूंगा मैं बैठ भीतर संभालना नहीं समझा लो या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये ए भगवान ये इतना टेम ताड़ रहे ना गिरे सा दो थोड़ी समल कोई बड़ी बात को नहीं मैं समझा दूंगा इनमें आराम से रेस्ट कर ले 2 घंटे सोना सो जा ले वो आ गया तेरा गुज्जा कर ले बात इब मैं तो धंधा फूक लियो डोबरे पड़े हैं ठीक से के क्या था बाबू अरे कहूं के था टाइम देख के हो गया हाँ टाइम देख लिया बाबू सवेरे 4 बजे देख लिया था मैंने रेडिया बाजा ना डेरा अपना तो 4 बजे देख लिया था टाइम अगली बताई फिर काम धंधा कर लियो कि मैं खेत में जाना है बाबू काम धंधा ली बात तेरी सारी सैनी से यो छोरा कदे काम धंधा बिना डटा नहीं और तो ना आज रात में कई तब भी गया और दिन में कई जद भी गया इब यो झोटा ईशा बांध दिया बाबू तने ना तो मैं न्यून कर ना मैं न्यून कर इब थारी मानू को मैं उसकी मानू अच्छा और के यो जिंदा सांप गाल दिया गल में जैसे काट डांगे तो फंस गए और जैसे ने रखा तो मर गए तो ये भी के रहा ई वो अगली बात तू सोच जब तो तन्ना बिंदनी चीज थी बेटा तने इसी सुतरी लाऊंगा पटाका लाऊंगा ई वो हो गया फ्यूज पटाका तेरा वीर मेरा भी ई सोचदा रह मैं जाऊं खेत में ठीक से भाई धक्का ले आओ बुढ़िया तुझे सुबह से कितनी बार बोल रही हूँ मुझे एक कप चाय पिला दे सुबह से एक कप चाय के लिए तरस रही हूँ मैं अच्छा चाय भी मैं बना के देवा तने 4 बजे उठी थी डंगरा ना सानी गैरी दुआरी काटी ये बुला रही काटन वो डोबरे मंजे अरे इतना खाता चाय मैं बना के देऊ मुझे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है मुझे सिर्फ एक कप चाय चाहिए और वो मुझे अभी चाहिए चाय बना के लेके आ मेरे पास कौन सी चाय बना बनोला बनी हर पी ले 12 बजे उठी हुई चाय भी मैं बनाऊं अच्छा इसका मतलब तुम मुझे चाय बना के नहीं देगी ना कौन देगा मैं तेरे चाय बना के तुझे तो मैं बताती हूँ अच्छा क्या करेगी अरे मार्गरेट अरे मर्गी अरे ना मारे बू अरे अरे माँ मार्गरेट है मांगे का बाबू ये बाबू क्या हो गया कट गया तू छोड़ मैं छुटा दे मैं
तुझे ना बुड्ढे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, कान खोलकर तू भी सुन ले, कोई काम धंधा कर ले। यहाँ पे बेल्ले बिठा के ना तुम दोनों को रोटियां लिखलाने वाली, मैं समझे? हे बहू, ये हमारी काम करने की उम्र से तुम आता है काम करवाओगी? अच्छा, जब मेरे माँ बाप से 10 लाख रुपए लिए थे तब नहीं सोचा? एक काम करो, खड़ी हो। ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, सवेरे सवेरे के रोला कर रखा है, के मारे पीटी चल रही, के रोला कर दिया था, मैं तड़के ही तड़के। आपको ना हमारे घर के मामलों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? इसी के बात होगी बुढ़िया, तू है रोला हो गया तो चुड़ाने का तो आया कर रहे हैं, के बात होगी? मेरे माँ बाप ने दहेज के नाम पे 10 लाख रुपए दिए थे, मैं नौकरानी बन के नहीं आई इस घर में, और ये इनको तो मुफ्त की रोटियां चाहिए। वाह बुढ़िया, तू अपनी जगह सही है, इन लालचियों ने 10 लाख दहेज में मंगे, नुए भोगे गए बड़े भाई साहब, नुए भोगे गए थम तो। बुढ़िया तू सही है, भगवान देखा गया इन्हें दहेज लेना, इन्हें कितना पाप कराया है, रोए जा रोए जा, तो सही है बुढ़िया, तू सही है। चल और एक बात ना, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, मेरे घर की चौखट पे ना दोबारा आने की हिम्मत मत करना, वरना मुझसे बुरा ना कोई नहीं होगा, समझे? तो क्या हो गया? हो गया बेटा। अरे बेटा, तुमने मारा मांगे देखा के? देखा था ताऊ, खेत में जा रहा है भाई, उसने बोल के एक बार जल्दी जा। जाऊं ताऊ? यार बाबू, तुम उगला धबले खेत संभालिए, अरे आज चुगण वाली को नहीं यार सौदा के है, ऊपर तक गामड़ी के आग पड़े मांगे। राइए फोन आइए, क्या हाल है? और मांगे ठीक ठाक सब भाई, क्यों कराना होया? अरे घरा तला बुरु तली मारोन लाए दी मैं, की बात रे तेरा कोन भाई, मेरे तो बताई कोनी के, तो पूछ के तो अंदा तू, मेरे तो बताई कोनी भाई, मैं तन्नू ले मर मांगे निकाल दी मां। अरे तेरी रे, इसी तो मारने के दिन ही बनी मां। बाबू के बात अड़ किस तरह बैठे हो? अरे मैं तुमने ना टूटा उस टाइम बाबू, ना दहेज ले और ना ईब उसना, मैं देखूंगा तुम खड़े हो जाओ एक बार। आ जाओ बेहतर चलो, मैं देखूंगा उसने। अरे मैं नाच था मेरे बाबू, मान ले तू चलो चल, एनू नहीं करा के मैं देखूंगा आज। मैं कर मैंने कहा बेकार आ गई किम्मे की मारे बाबू, आज उस शेरनी ने तेरा शेर देखेगा ना। अरे तू बैठ 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 बाबू, मना लठ ले देख भरे दुख दुख जा बाबू, तो मेरी पहले भी नहीं मानना मेरी, आज आज मेरी बात मान लो, मने उठा रहे दे पहला भी नाम बोली मन के मारन पे बैठ आज तो छुटा के बाद हमें बाबू ना कर बात मार सो जाके मार रहे हैं सब ना नाच के बैठे हैं मैं मना लठ ले देख घर जाओ सुन जाने कोई बात बाहर निकल कोई बात सही से तो गलती कर ली तू गलती ना करे गलती नहीं बाबू क्यों अरे मेरे माँ बापू को हाथ किस तरह ला दिया तुम्हें? अच्छा तो आज मिस्टर हस्बैंड को अपने माँ बाप की रेगड़ी चक्कर ना बोल रहे आप चुप रहिए जी। हाँ अरे बाबू मैंने कर ले देखो आप लोगों को और खासकर आपको अपने माँ बाप का दर्द दिख गया जब मैंने ना धक्के मार के घर से बाहर निकाला जानबूझ के, लेकिन उस दिन मेरे माँ बाप की तकलीफ आपको दिखाई नहीं दी, जब मेरे माँ बाप अपने हाथों में पगड़ी रखकर आप दोनों के पैरों के नीचे गिड़गिड़ाए थे कि बारात वापस मत लेके जाओ वरना पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेटी जिंदा जी मर जाएगी, पर आपको तो दहेज चाहिए था ना, सिर्फ दहेज चाहिए था ना, 10 लाख मिल जा रहे थे आपको, मैं नहीं चाहिए थी। और रही बात ना वो पैसे आप रखियो और इस घर में मैं अब एक मिनट भी नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। निकल जा रहा है तू, इस
बाबू माँ ई बागे लेन पे मैं उस टाइम भी कहूँ था बाबू तन्ने भी टोय आटा चाहिए थी उस टाइम और माँ मैं तन्ने भी कहूँ था कि एक बाप की लाज रखनी एक माँ उस टाइम वाह माँ रोए थी और आज यो बाबू रो था भगवान एक लेन की गलती को ना या गलती मेरी भी से और जब तुम मैंने माफ करना चाहो से ना तो इस घर की देवते बार पान आ दरिए और जब तू घर से बाहर नहीं गई ना तो मैं समझूंगा कि तने मेरे को माफ कर दिया मैंने आप सबको माफ कर दिया और मम्मी जी पापा जी मुझे भी माफ कर दीजिए क्योंकि जाने अनजाने सबक सिखाने के चक्कर में मैंने भी आप लोगों के साथ वैसे ही बुरा बर्ताव किया और समाज के लोगों देख लो कितने के माँ बाप हर रोज और कितने घर में रोते होंगे अरे हमारा धार तो यह प्रार्थना से कि किसी की बेटी और किसी का बाप और किसी की माँ किसी की भाग का आंखें में आंसू से मैं तो इस दहेज के कारण से तो दोस्तों हमारी पूरी टीम की आप तो यह प्रार्थना से कि वो दहेज लेना और देना बंद कर दो असली खजाना असली लक्ष्मी घर की बेटी हो से जिस प्रकार आज यहाँ से अगर हमारा घर तैयार चली गई तो हमारा द्वारा के बचेगा और तुम भी सोचो हर द्वारा के बचेगा राम राम नमस्कार प्रिय दर्शकों इस वीडियो के माध्यम से हमने एक सामाजिक संदेश देने की पहल की है कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है दहेज के नाम पर लड़कियों का अपमान मत कीजिए और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा धन्यवाद और जय हरियाणा जय हरियाणा मैं इतना बोल रहा था।